हे गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी को माय लाइफस्टाइल एंड कुकिंग चैनल पर। आज हम बनाएंगे ढेकिया साग। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा हस्बैंड को बोला है तोड़ने के लिए। तो इस तरह हम लोग को जो पत्ता है, डंठल भी है, आप लोग को जैसे मर्जी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट ही रहता है। तो फिर भी हम लोग को जैसे पसंद वैसे ही तोड़ेंगे। तो देखिए ऊपर ऊपर में हम लोग को तोड़ना है और पत्ता पत्ता देख के तोड़ना है। तो मैंने मेरा हस्बैंड जो मेरे को मदद कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, वो तोड़ दे रहे हैं। तो बस ये साग आप लोग कहीं मिलेगा तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जब आए तभी हम लोग खाने का स्टार्ट किया है। एक बार खाए तो बार बार मन करता है खाने को। तो जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग लेके आते हैं। तो ये साग को, सारे साग को हम लोग को अच्छा से तोड़ के लेना है। और देख सकते हैं यहाँ पे साग जो है सब तोड़ा गया है। अब हम इसको अच्छा से वॉश करेंगे। तो देखिए इस तरफ में जो डंठल फेंका है तो इतना लंबा लंबा जो है इस सब को नहीं बनाना है, हमको जितना तोड़ के लिया है बस उसी को बनाना है। तो ये सब को हमको दो चार पानी वॉश करके बनाना है। तो चलिए मैं किचन पे आ गई हूँ और यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है। तो इसमें हम लोग को 2-3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालना है या सरसों तेल। तो मैं तो ज़्यादातर सरसों का तेल से ही बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं सरसों का तेल ही लिया है। और देखिए तेल हल्का गर्म है। अब हम इसमें 5 फोरन 1 चम्मच डाल दिया। उसके बाद सूखी मिर्च 2-4 लिया है मैंने, और इसको बीच में थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसको डाल दिया है। और इस तरह थोड़ा हल्का सा हम लोग इसको भून लेंगे। तो उसके बाद हम लोग को दूसरा जो है मसाला वो डालना है। तो देखिए मैंने 8 से 10 लहसुन लिया है, उसको दरदरा सा इस तरह कूटा है, मतलब 1-2 बार कूट के लिया है। बस इसको डाल के थोड़े देर के लिए भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि हम लोग को इस टाइम में ही आलू भुनना है। तो आलू आप चाहे तो पहले ही भून के अलग करके फिर उसके बाद बनाइए। तो मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ इसीलिए मैं तुरंत ही आलू डाल दिया है। ये आलू है मीडियम साइज़ का है, इसको अच्छा से धोकर काट के लिया है। तो देखिए अभी हम लोग को नमक डालना है स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालना है हमको, क्योंकि आलू है तो हल्दी के बिना आलू अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छा से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद अब हमको इसको ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए बीच बीच में मैंने चलाया था और अच्छा से फ्राई भी हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे साग। तो देखिए साग को मैंने धोकर अच्छा से रखा था। तो ये वाले साग में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि बाद में भी हम लोग को डालना नहीं चाहिए। और देखिए ये साग से थोड़ा बहुत पानी निकलता है, तो इसमें से नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने पहले आलू डाल दिया है, इसीलिए शायद नहीं भी निकल सकता है। तो बस अच्छा से चलाने के बाद इसको मैंने ढक्कन लगा दिया है और थोड़े देर बाद देखिए मैं ढक्कन हटा कर इसको अच्छा से चला दूँगी। तो देखिए मैं इस तरह अच्छा से चला देंगे। और अब हमको थोड़ा सा नमक डालना है साग के लिए, क्योंकि हम लोग आलू में भी डाले थे तो इसीलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग का जो साग है हल्का पक गया है। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के फिर से 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और फिर से इस तरह हमको अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तो देखिए अब हम लोग का जो है साग, देख
अच्छा से पक रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमको फिर से ढक्कन लगा देना है, हमको ढक्कन लगा लगा कर ही पकाना है। तो देखिए 2-3 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं एकदम सा रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग का पक भी गया है, हम एकदम लो मीडियम लो फ्लेम में हम लोग को 2-3 मिनट के लिए ढक देना है। उसके बाद देखिए हम लोग का जो साग है एकदम रेडी हो गया है, देख सकते हैं पूरा पक चुका है। बस अब हम लोग का जो साग है रेडी हो गया है, अब हमको प्लेट में निकाल देना है। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में तो और ही मज़ा आता है। तो है गाइस, देखिए आप लोग जो साग मैंने बना के दिखाया है आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।